टी20 में अपना जलवा दिखाने वाले सूर्य कुमार यादव एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाए तो फैंस ने जमकर किया ट्रोल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में लगातार जीरो पर आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव पर उठने लगे सवाल। सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने जमकर किया ट्रोल। फैंस ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी हालत में वर्ल्ड कप टीम में उनकी जगह बनती है। सूर्य कुमार यादव को ट्रोल करते हुए फैंस ने कहा, समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है और गोल्डन चांस को वो गंवाते जा रहे हैं। सूर्या के लगातार जीरो पर आउट होने पर संजू सैमसन को लेकर भी लोगों ने काफी पोस्ट किया। फैंस का मानना है कि सूर्या से ज्यादा योग्यता संजू सैमसन के पास है और उन्हें उनकी जगह वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव को टारगेट करने वाले ट्रोलर्स को बता दें कि महज दो मैच में ही नहीं चलने पर किसी की योग्यता को परखना बिल्कुल उचित नहीं है। बताते चलें कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक 78वें मैच में लगाया था। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो न जाने ट्रोलर्स उन्हें क्या क्या कहते और ऐसे में उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता तो वो आज दुनिया के महान बल्लेबाज न बन पाते। सूर्य कुमार यादव ने अपनी योग्यता डोमेस्टिक क्रिकेट हो या टी20 मैच, अपनी क्लास हर जगह दिखाई है। पिछले कुछ सीरीज को उन्होंने अपने दम पर जिताया है। पिछले दो वनडे की बात करें तो पिच गेंदबाजों को काफी मदद कर रही थी, जिसमें भारत के टॉप ऑर्डर भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को ट्रोल करना कहां तक सही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्या की जगह संजू सैमसन को आखिरी वनडे में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।